भीलवाड़ा से निकल रहे अजमेर नेशनल हाईवे पर वर्ष 2018 में कारों से भरे हुए ट्रक लूट के मामले में पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि रायला पुलिस ने इस लूट के मुख्य आरोपी फारूक खान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस आरोपी पर 2000 का इनाम भी रखा था। पुलिस आरोपी से लूट की वारदात के बारे में पता भी लगा रही है। वहीं थाना प्रभारी सुनील चौधरी ने बताया कि 26 अगस्त 2018 की रात को मलपुरा बिहार निवासी राजू मिश्रा से लूट हुई थी। राजू गुड़गांव से मारुति सुजुकी कारों से भरा एक ट्रक लेकर निकला था। वहीं रात को रायला टोल के पास बदमाश ट्रक की दूसरी तरफ से अंदर चढ़ गए और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। दोनों बदमाशों ने पहले तो उसके फ़ोन और पैसे भी लूट लिए और फिर उसको ट्रक से उतार कर कारों से भरा हुआ ट्रक लेकर फरार हो गए थे। वहीं इस मामले में पुलिस ने एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया था। उसकी निशानदेही पर कारों से भरा ट्रक बरामद कर लिया था, लेकिन लूट का मुख्य आरोपी राहुल खान फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने अब पकड़ लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।